एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। यस, आप चाहे सेकावट यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा, एमडीएसयू या राजस्थान की किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हो, तो आप इस पेपर को याद करके 100 में से 80 या 90 प्लस मार्क्स आए अच्छे से ला सकते हो। तो आइए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा आपसे एक नंबर निवेदन है कि जो YouTube है अपना, उस पर एमएससी के रिगार्डिंग कोई भी टीचर है पेपर नहीं बनाता है, तो आप अपने जो क्लासमेट सर्किल है, आपका कोई भी फैमिली सर्किल है जहां पे कोई एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है, तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके, वरना केमिस्ट्री में फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है वहां पे 5 यूनिट दी गई है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा घबराना नहीं है फर्स्ट बात तो, क्योंकि ये है इंग्लिश मीडियम है, बोले सर हम बीएससी तक हिंदी मीडियम में की आते इंग्लिश मीडियम, और सर फिजिकल केमिस्ट्री जिसके नाम से मैं बीएससी में डर लगता था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजिली वे में। आप वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना डेराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन छोटे क्लास में बहुत बार पढ़ा है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वाला, ठीक है, वो फॉर्मेट पढ़ा है पूरा, बस वही करना है, ठीक है, उसका डेरिवेशन करना है। आपको बीएससी फाइनल वाला डेरिवेशन याद है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेना, ठीक है। बात रही थ्योरी की, थ्योरी आप कैसे जैसे टूट फूट में छोटे मोटे भी लिख दोगे चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से इनका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, अब सुनना, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वांटम के बारे में जो भी पढ़ा है वो सब लिख देना, ठीक है। क्वांटम के बारे में जो भी रूल, जो भी आपने जो सब पढ़ा है वो इसमें लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये इस बार छप गया पेपर में, हार्मोनिक ऑसिलेटर है पेपर में, 100% नहीं 200 प्लस है, ये छप गया, ठीक है, अच्छे से देख लेना। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसका फॉर्मूला अच्छे से नहीं याद होता है, रब कॉपी ले, एक बार नहीं अभी आपके पास में टाइम है, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जाते ऐसा कैसा छाप देना, कोई जिंदगी भर के लिए याद नहीं करना है, ये बस फिजिकल का पेपर निकल जाए, फिर आपका एमएससी में मोस्टली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से करते हैं एमएससी केमिस्ट्री, तो बाद में फिर फिजिकल की कभी दिक्कत नहीं आती, नहीं फिर एमएससी फाइनल में लटकते रह जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जो पर्टिक्यूशन थ्योरी है उसके एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें भी देखो वही बात है कि आपको नहीं आता है अच्छे से, कोई बात नहीं है, जो आपने क्वांटम में जो भी पढ़ रखा है इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो। नेक्स्ट है हक्कल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किसके लिए, ब्यूटाडाइन और इथाइलिन के लिए। ये क्वेश्चन है देखो लास्ट ईयर भी आया था, इससे लास्ट ईयर भी आया था, और इस बार भी आएगा 2023 में भी आएगा, ठीक है। वहां पे देखो ब्यूटाडाइन है, इसको थोड़ा सा किस तरह से कैसा दे सकता है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिख दे, या जिस तरह से ऐसा बना के दे दे, ये 1,3-ब्यूटाडाइन ही है, ब्यूटाडाइन ही है, इथाइलिन आप जानते हो, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो एमओटी थ्योरी, हक्कल की एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको अच्छे से देख लेना, ध्यान से सुनना एक मिनट, ये एमओटी नहीं है, हक्कल की एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनका वैल्यू याद करना, ठीक है, इसके वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, किस किस के लिए, इथाइलिन के लिए, एलिल सिस्टम के लिए और साइक्लोप्रोपेनॉल के लिए, ठीक है। नहीं याद होते हैं वैल्यू रट्टा मार लो, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं याद होते हैं तो कम से कम जो इसका रिजल्टेड आंसर है उसको रट्टा मार लो, बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विजिट रोटेटर, ठीक है, इस बार एग्जाम में छप गया विजिट रोटेटर, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसकी देखो रिजिट रोटेटर याद हो तो बीएससी फाइनल है, वहां पे हमने पढ़ा था, वो का वो रिजिट रोटेटर यहाँ पे है। नेक्स्ट है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, याद करवाता हूँ थोड़ा सा हिंदी में, बीएससी में पढ़े थे, ओब बाऊ का वाला पढ़ा था, पावली का अपवर्जन सिद्धांत, वही ये पावली एक्सक्लूजन रूल, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड, ठीक है, इसमें फ्री एनर्जी, ठीक है, जो फ्री एनर्जी है और उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। नेक्स्ट है बोय आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन लो है, इसको शॉर्ट में बीईडी भी बोला जाता है, ठीक है, जो बीईडी लो है इसके बारे में, देखो इसका डेरिवेशन है थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन ट्राई करना याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद हो पाता है तो नेक्स्ट जो लास्ट का रिजल्टेड है उसको तो कम से कम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, ठीक है, ये इस बार देखो छप गए हैं, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था पार्शियल जो मोलर क्वांटिटी उस पर क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएगा पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी आ जाए नाम, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है केमिकल पोटेंशियल, किसका दूसरा नाम होता है मोलर फ्री एनर्जी का, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा श्योर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्यूगेसिटी, पिछली बार एक्टिविटी आया, इस बार फ्यूगेसिटी जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो, 2022 में भी आया, 2023 में भी आने की मोर देन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, छोड़ना मत, पॉसिबिलिटी करना याद हो जाए। नेक्स्ट है डिफाइनिंग आयनिक स्ट्रेंथ,
200% है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू चेंज हो सकती है, 0.5 की जगह 0.6 हो जाए और क्वेश्चन ऐसा कर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इतने दावे के साथ में नहीं कहता, ये क्वेश्चन आयोनिक स्ट्रेंथ का आएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत पर पढ़ रखा है, आई बराबर 1/2 m1 z1² + m2 z2² वाला, समझदार हो, इसके आधार पे इक्वेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड में आरआर की एम थ्योरी। देखो चार थ्योरी थी, उसमें लास्ट वाली आरआर की एम अच्छे से देख लेना। इसके देखो आरआर की एम में क्या करना है, पहले ये आरआर की एम इन चारों साइंटिस्टों के नाम लिखना पहले अच्छे से। नेक्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ माइकलस मेंसन इक्वेशन, इसकी सिक्योरिटी में 1000% देता हूँ, इस बार माइकलिस जो मेंसन इक्वेशन है आएगी, और इसमें साथ में ये जो लाइन वीवर बर्ड प्लॉट है ये जरूर बनाना है, ठीक है, ये इसका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आरिनियस इक्वेशन, के बराबर ए ई माइनस सी अपॉन आर टी, बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से, उसका डेरिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब उसमें सक्रिय संकुल नाम सुना था ना, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2। देखो ये तीन क्वेश्चन है, सुना H2Br2 की फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक है डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन एथेन C2H6 वाला, एक है पाइरोलाइसिस ऑफ एसिटाइल्डिहाइड CH3CHO C2H6 और H2Br2, ठीक है। तीन क्वेश्चन है, तीन में देखो मुझे नहीं पता है कौन सा आएगा, लेकिन मैं 100% से और एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर से सुन लेना, H2H2 का फोटोकेमिकल रिएक्शन एडिशन और काइनेटिक पाइरोलाइसिस CH3CHO इसका पाइरोलाइसिस तापमान की प्रेजेंटेंस में टूटना, और एक अपना डीकम्पोजिशन एथेन, ठीक है, C2H6 है ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट साथ में ये ध्यान रखना जो हिंसेल्हुल्ट थ्योरी है, इसको भी ध्यान में रखना है, तो छोटी सी थ्योरी है। नेक्स्ट बात करता हूँ कोलिजन थ्योरी और बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, टक्कर सिद्धांत पढ़ा था ना, फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, अरे 12th की 11th की फिजिक्स में पढ़ा था ना, वही है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में कैसे भी करके सेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ, सॉरी ये हो गया, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूनिट फिफ्थ में जिट्टा पोटेंशियल, 11th क्लास में पढ़ा था, जिट्टा विभव का नाम सुना था ना, वही है, कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपने इंग्लिश में जैसे भी सेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ग गलत हो गई, प्रीपोजिशन सही नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है, जो अवसादन जो विधि है किसके लिए, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के लिए जो अवसादन विधि, अब देखो इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन लास्ट ईयर भी आई है, इस बार भी देखो पॉसिबिलिटी है, छोटी इक्वेशन है, छोटी तो नहीं कह सकता लेकिन सरल इजी है, इतनी हार्ड नहीं है, कोशिश करना याद हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसकी काइनेटिक्स, ठीक है, अरे के बराबर वो लिखते हो ना उत्पादों की सांद्रता अपन क्रियाकारक की सांद्रता वाला वो सिस्टम। नेक्स्ट है सरफेस एक्टिव एजेंट और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव पॉलीमर, ये छप गया एग्जाम में, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव जो पॉलीमर है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनना, डेफिनेशन प्लस इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख दिया बीच में आप कैसे कुछ रामायण लिखो कोई नहीं पढ़ता, एग्जाम्पल अच्छे से मोटे मोटे लिखाना। नेक्स्ट है अपना ऑस्मोमेट्री, देखो ये विधि है ऑस्मोमेट्री वाली, इसके बारे में इसका डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट है जो फैक्टर अफेक्टिंग दी CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन, ठीक है, कौन कौन से CMC को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसाइलाइजेशन, ठीक है, इसकी थर्मोडायनेमिक्स वाली कंडीशन है, अरे इसमें कुछ डेरिवेशन है, देखो पॉसिबल छोटा डेरिवेशन है, इसमें तो हार्ड नहीं है मिसाइलाइजेशन का, ये जरूर याद करना, देखो इस बार ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर CMC डायरेक्ट पूछा था, इस बार इसकी थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाएगी, ठीक है। रिवर्स मिसाइल इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना, ये रिवर्स मिसाइल है, ये भी मोर देन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देख लेना, स्टार लगाए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टफेल प्लॉट, टफेल प्लॉट है, छप गया टफेल प्लॉट तो, ठीक है, एग्जाम में छप गया टफेल प्लॉट, देख लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं है, 2-4 ग्राफ है, बस काम खत्म, रखो फिर मैं एक बार बनाया, देख लेना वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, कैसा ग्राफ है, हो गया काम। नेक्स्ट है हाफ वेव पोटेंशियल, ठीक है, हाफ वेव जो अर्धविभव वाला है वो सिस्टम। नेक्स्ट है जो इल्कोवी की इक्वेशन है, लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी चांसेस है, छोटा नहीं जा सकता, देखो लास्ट ईयर आई है लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगी, इसको भी याद करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डेरिवेशन ऑफ जो डीबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन, देखो डीबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन याद हो तो BSc सेकंड ईयर में बड़ी सारी इक्वेशन लिखते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं याद होता है, इसका रिजल्टेड है, थोड़ा है बड़ा सारा, लेकिन उसको देखना कॉपी में गूगल से कहीं से भी, वो आपका याद आएगा, वो BSc सेकंड ईयर में भी याद किया था, 11th में भी याद किया था, वो इसका रिजल्टेड ध्यान में रखना, ऊपर वाली स्टेप कैसे जैसे एडजस्ट कराना, नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ
जो आपका डेरिवेशन करना है किसका, बटलर इक्वेशन का, ठीक है, बटलर इक्वेशन का। नेक्स्ट है ओवर पोटेंशियल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ओवर पोटेंशियल। ये ओवर पोटेंशियल है, इस बार ये क्वेश्चन छप गया जो अति विभव है, ठीक है, ये क्वेश्चन श्योर है छप गया, मैं फिर बोल रहा हूँ श्योर है छप गया। ओवर पोटेंशियल कहते किसे, इसको प्रभावित करने का कारण, ठीक है। नेक्स्ट है लिपमान इक्वेशन, ठीक है, ये लिपमान इक्वेशन है, ये भी छप गई है, ठीक है, लिपमान इक्वेशन ये भी छप गई, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है विन इफेक्ट, लेकिन लिपमान इक्वेशन है, मैं फिर कह देता हूँ अच्छे से देख लेना, ये छप गई है, ठीक है। इसी के साथ देखो मैं फिर बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री है, पेपर हार्ड नहीं रहता, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। बोले सर हमारे पास में टाइम नहीं है, अभी भी जितना भी टाइम है ना आपके पास में 2-4 दिन सफिशियंट है, इजीली हो जाएगा। काम क्या करना है, रफ कॉपी लो, टॉपिक का नाम यहाँ से देखो, टॉपिक का नाम देखा, आपके पास जो भी नोट्स है जो भी बुक है वहां से किया, ठीक है। नहीं होता है तो विश्व गुरु गूगल नाम सर्च किया, उसके बारे में डिटेल आ जाएगी, ठीक है, कोशिश करो हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें बताया पेपर में से 80 से 90 नंबर है 100 में से, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूँ इससे की रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं आएगा आपको, आप अच्छे से टॉपिक को देखिए, घबराना नहीं है। इंग्लिश मीडियम में तो क्या हुआ, कर लेंगे हम इजीली, ठीक है। अरे इंग्लिश मीडियम कोई पहली बार तो है नहीं है, 8वीं क्लास से अच्छे से देखते आ रहे, निबंध कहानी पता नहीं क्या क्या लिखा है, ठीक है। हाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीएससी रिगार्डिंग जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के मैंने ऑल ओवर पेपर बनाए हैं सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, ठीक है। और अपना एमएससी है, एमएससी प्रीवियस के केमिस्ट्री के ऑल ओवर पेपर मिल जाएंगे। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे आपके ही भाई बहनों के अच्छे नंबर आ सके। कोई ये नहीं कहे कि एमएससी केमिस्ट्री में फेल होते हैं, ठीक है। मैं ये कह सके दावे के साथ में एमएससी केमिस्ट्री भी एक कॉलेज ही है, उसको भी यूं 2-4 दिन में पढ़ के पास किया जा सकता है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।